देश भर में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोनीपत शहर भर में जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना था कि सरकार अपने द्वारा किए हुए वादे को भूल गई है और अब उस अपने वादे को जब तक सरकार पूरा नहीं करेगी हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। देश भी 26 जनवरी मना रहा है और हम भी 26 जनवरी मनाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और हमने पूरे शहर में जुलूस निकाला है और हम सबसे पहले अपने संविधान को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसको पूर्ण रूप से सरकार से लागू करने की मांग करते हैं। और उसी संविधान ने जिसका आज दिवस है हमें अधिकार दिया है कि अगर हमारे साथ कोई जुल्म जाती हो रही हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ जो है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जुल्म और जाती कर रही हैं और हम आज सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम आज संविधान दिवस पर हरियाणा की खट्टर सरकार जो है हमारे मांग और मुद्दों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे, उनको लागू करे। और केवल हमारी इस वक्त में एक सबसे बड़ी मांग अटकी हुई है, 1500 रुपए वर्कर की बढ़ोतरी, 750 रुपए हेल्पर की बढ़ोतरी, हरियाणा की सरकार उसको जो है लागू करे और ये संदेश हरियाणा की जनता के नाम पे भेजे कि वो सरकार वो संविधान को मानते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर सरकार आज भी जागती है तो हम समझेंगे कि सरकार ना तो संविधान को मानती है और ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की केवल बात करती है, ना उस नारे को वो असल में लागू कर रही है। हमारी सरकार से मांग है, हमारी जो बढ़ोतरी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में की, उसको लागू किया जाए। आज हम पंचायत भवन में सब बहनें इकट्ठा हुई हैं और हमने गणतंत्र दिवस का भी हमने पूरा सम्मान रखा है और हम अपने भी जो मांग मुद्दे हैं उनको भी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें देखो इतने दिन हो गए हैं सरकार कोई भी बातचीत के लिए आगे नहीं होती और हम सरकार से यह कहना चाहते हैं अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं उसमें सफल होए और इन बेटियों को रोड पर ऐसे भटकने ना दे, ये भी आपकी ही बेटी है और ये जो 1500 से 750 की बढ़ोतरी के ऊपर जो ये हमारा मामला रुका हुआ है इसको जल्द से जल्द पूरा करे और संविधान जो है कहते हैं संविधान लागू है, जो लागू संविधान है उसको पूरा करे, संविधान में होकर बात करे। हम कट्टर सरकार से इतना ही कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में मन की बात में जो घोषणा की थी उसको लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर चली हुई हैं और हम सरकार से आज संविधान दिवस पर गणतंत्र दिवस पर ये मांग करते हैं कि बेटी बचाओ का बेटा बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों को सड़कों पर भूखा मरने के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में बरसात के मौसम में धक्के खाने के लिए मजबूर ना करे और ये सरकार का जो चाल चरित्र चेहरा है वो आज जनता के सामने आया है कि हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पे सरकार के खिलाफ संविधान को बचाने के लिए अपने अधिकारों को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरी हैं। कल पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया जाएगा, काले झंडे लेके और काले कपड़े चुन्नी पहन के सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए पीओ को नोटिस दिया जाएगा। 5 फरवरी तक की हड़ताल की कॉल करती है और फिर भी सरकार नहीं मानी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में बदल दी जाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि वो संविधान दिवस का सम्मान करते हैं लेकिन सरकार संविधान को ही बदलना चाह रही है। वहीं सभी ने कहा कि कल वो काले दिवस के रूप में मनाएंगे और काले कपड़े पहनकर शहर भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब हमारी हड़ताल को 5 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है और सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती है तो ये हड़ताल अब अनिश्चितकाल तक चलेगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।